स्वागत है दोस्तों। मानव संस्कृति को सहेजने के सबसे बड़े अभियान में हमारी टीम लगातार लगी हुई है और हम एक बार फिर बिंदु की पर्वत श्रृंखलाओं में एक्सप्लोर कर रहे हैं उन शैलाश्रयों को जो अब तक अबूझ पहेली बने हुए हैं, लोगों को नहीं पता है। इस समय हम चितहरा मोड़ से बिंदु की पर्वत श्रृंखला में एक मुरली की भटिया पड़ती है जहां पे ये पूरा बड़ा शैलाश्रय है। आप देखेंगे कि कई यहाँ पे चित्र जो हैं वो पुराने चित्र बने हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाषाण युग के ये चित्र बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन चित्रों में सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये नजर आ रही है कि हर तरीके के एंगल से यहाँ चित्र बनाए गए हैं। आप इन चित्रों को आप नजर डालेंगे तो देखेंगे किस तरीके से एक पूरी फौज खड़ी है और पूरी लाइनअप है फौज। और यहाँ पे कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिनमें जंगली जानवरों का शिकार करते हुए कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ जंगली जानवर हैं जो यहाँ पे उकेरे गए हैं। और ऊपर आप देखेंगे कि किस तरीके से साइंस बनाए गए हैं, कई साइन ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि कई मैथोलॉजिकल इम्पैक्ट को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कई जानवर भी हैं जिनके यहाँ पे चित्र आपको नजर आ रहे हैं। तो एक पूरा एक बड़ा शैलाश्रय है और यहाँ पे मैं आपको और ले जाना चाहूंगा, आप किनारे आइए मेरे साथ। यहाँ पे और भी सारे चित्र बने हैं, देखिए आप। ये पूरा जो पूरा रॉक सेल्टर है ये एक ब्लैक बोर्ड ऐसा है जो कि पाषाण युग का है, यानी कि तकरीबन हजारों हजार साल पुराना चित्र। और आज तक इसका रंग अमिट है, आज तक इसके रंग में परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे धनुर्धर भी हैं जो पूरा यहाँ पे देखेंगे कि पूरा मुस्तैद है। अब कौन सा युद्ध, किस तरीके की चीजें हो रही थी, क्या था, फिलहाल अभी जान पाना मुश्किल है। लेकिन जानवरों के चित्र भी बने हुए हैं और ये देखेंगे आप यहाँ पे तलवार लिए हुए एक व्यक्ति, और ये निशाना साध के पूरी तैयारी में है। ये जो भी आप देख सकते हैं युद्ध की शैली कोई दिख रही है। और यहाँ पे तमाम तरीके के चित्र हैं। ये एक चित्र है जानवर का और ये मुझे लग रहा है हिरण नजर आ रहा है हमें। और आप देखेंगे किस तरीके से इसकी पूरी जो लाइनिंग है, शेप है, किस तरीके का शानदार शेप है। और ये चित्र आप देखिए, ये यहाँ पे एक मनुष्य का चित्र बना हुआ है। शायद ये चित्र बताता है कि उस समय की हाइट जो थी कितनी अधिक थी, कैसे वो हथियार लेते थे, कैसे हाथियों पे सवार होकर के पूरा युद्ध लड़ा जाता था। ये पूरी सेना है, यहाँ पे पूरी लाइनिंग बनी हुई है, तमाम तरीके के चित्र हैं, बहुत पुराने हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं में है ये पूरे चित्र। और ये जो पूरा रॉक सेल्टर है ये बेहद बड़ा है यहाँ पे। और जो मेरे साथी हैं यहाँ पे जुगेन मिश्रा, वो भी मौजूद हैं, आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा ये रॉक सेल्टर है और इसके आगे आप देखेंगे कैसे चितहरा नजर आता है आपको, जो कि करबी सपना की का संपर्क मार्ग है। और ये यहाँ से बादलों को छूती नजर आती है जमीन, इतने ऊंचाई पे हम लोग इस समय हैं। और ये आपको देखेंगे आप, इसे समझ में आएगा आपको यहाँ पे जब आप नजर आएंगे तो ये पूरा रॉक सेल्टर है और ये चित्र बने हैं और ये पुराने शैलाश्रय हैं। और जो ये होली का समय है, इस होली के समय में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ये पूरी संस्कृति के जो रंग हैं, जो हमारे पाषाण युग के मनुष्यों ने बनाए थे, कैसे अमिट है रंग, ये रंग मिटा नहीं आज तक। और शायद यही बताता है कि वो कितने मजबूत थे अपने उस समझ में, जिसकी समझ समझते समझते हमें हजारों वर्ष बाद आज भी ये समझ नहीं आ रहा है कि चित्रों में क्या कहा जा रहा है।